Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope your studies are going well. You all are safe in your homes. Children, we are still continuing with our online classes and video classes. You know that your schools are not yet open. Schools are amusing because none of the schools are open. कोई भी स्कूल नहीं खुले हुए हैं, सब जगह पढ़ाई ऑनलाइन ही चल रही है, अभी वीडियो क्लासेस से चल रही है. तो हमारे स्कूल में भी ऐसे ही चल रहा है. और आपको अब ऑनलाइन क्लास में सीरियसली पढ़ना है, सिर्फ अटेंडेंस के लिए नहीं आना है. मेक नोट ऑफ योर डाउट्स, अपने डाउट्स की नोट बना लीजिए कि आपको क्या क्या नहीं समझ में आता है जब आप वीडियो क्लास देखते हैं तो. और फिर आप वो सारे डाउट्स मुझसे ऑनलाइन क्लास में क्लियर कर लीजिए, ठीक है. चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर फोर. चैप्टर फोर जो है हाउसेस वी लिव इन, इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं. क्वेश्चन आंसर्स नहीं, मतलब एक्सरसाइज जितने भी हैं वो हम स्टार्ट करेंगे आज से. चैप्टर मैं पहले ही समझा चुकी हूँ आपको. आई हैव एक्सप्लेन यू द चैप्टर पूरा बहुत अच्छे से आपको था, मतलब अच्छे से, मतलब ऑल द टॉपिक्स आई हैव कवर्ड. नाउ यू विल डिसाइड वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट, क्योंकि आप ही मुझे बताएंगे कि आपको समझ में आया है कि नहीं. डू टेल मी ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास, आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं. इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, जैसे कि हाउस का मतलब क्या होता है, हाउस और होम में क्या डिफरेंस है, हाउस की ज़रूरत क्यों होती है, व्हाई डू वी नीड हाउस, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ हाउस डिपेंडिंग ऑन द मटीरियल यूज्ड, देन व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द सिटी, अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन, जैसी जिसकी ज़रूरत, जैसा जिसका जहाँ का क्लाइमेट, उसके अकॉर्डिंग हमने तरह तरह के हाउसेस डिस्कस किए, राइट फ्रॉम कारवां टू पेंट हाउस, स्टूडियो अपार्टमेंट, सब मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ. बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स, सर्टन हाउसेज विच आर नॉट गिवन इन योर चैप्टर. चैप्टर में उन हाउसेज के नाम भी नहीं है. सम ऑफ यू आस्क्ड मी ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास अबाउट ट्री हाउस, है ना, कि ट्री के हाउस कैसे होते हैं. आई हैव शोन यू द पिक्चर ऑल्सो, आपको मैंने दिखाया था कि ट्री हाउस कैसा होता है. और अब तो ये लग्जरी जैसा हो गया है, पीपल विजिट देयर, पीपल स्टे इन ट्री हाउस फॉर एडवेंचर. और बहुत डिज़ाइन में ट्री हाउसेज होते हैं. पेंट हाउस मैंने आपको दिखाया, स्काई स्क्रैपर्स दिखाया आपको मैंने, वो बिल्डिंग भी दिखाई ना, जो एम्पायर जो बिल्डिंग, न्यू एम्पायर जो बिल्डिंग है जो न्यूयॉर्क की है, वो बिल्डिंग भी मैंने आपको दिखाया था, है ना. तो ये सारा हमने डिस्कस किया है इस चैप्टर में. और साथ में हमने और भी चीज़ें हाउस से रिलेटेड डिस्कस की हैं, वो ये क्लिनलीनेस ऑफ हाउस, व्हाट इज़ अ गुड हाउस, अच्छा घर किसे कहते हैं. बड़े घर को अच्छा घर नहीं कहते, छोटे घर को अच्छा नहीं कहते, घर अच्छा कैसे होता है, इस पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था. देन डेकोरेशन ऑफ हाउस, ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया कि हम किस तरह से घर को सजाते हैं, कैसे सजा सकते हैं, क्या कारण है कि हम घर सजाते हैं, और स्पेशल ओकेजन्स में भी हम अपने घर को किस तरह से सजाते हैं, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है इन द प्रीवियस वीडियोस. तो अगर इन सब चीज़ों में से किसी भी टॉपिक पर अगर आपको डाउट है तो आप फ्री हैं मुझसे ऑनलाइन क्लास में इस पूछने के लिए. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो लेट मी टेक द बुक एंड विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. ओके, ओके, दिस इज द बुक एंड फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज ए इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शंस. स्टूडेंट, आई हैव टोल्ड यू दैट मोस्ट ऑफ द इन मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स द एक्सरसाइज इज द पैटर्न ऑफ एक्सरसाइज इज सेम. यू विल फाइंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज चूज द fill in the blanks using correct options. Fill in the blanks using correct options.
number 1 P U C C A Pakka house is not made up of blank. और हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ए ब्रिक्स, बी मड, सी आयरन एंड डी सीमेंट. पक्का हाउस इज नॉट मेड अप ऑफ. पक्का हाउस इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो पक्के हाउस को बनाने में यूज नहीं होती है? ओके, पक्का हाउस इज नॉट मेड अप ऑफ, इनमें से कौन सी चीज नहीं यूज होती है? ब्रिक्स यूज होता है, मड पक्का हाउस बनाने में मड नहीं यूज होता है, आयरन यूज होता है और सीमेंट भी यूज होता है. तो ये है हमारा ऑप्शन. ओके, पक्का हाउस इज नॉट मेड अप ऑफ मड. नेक्स्ट नंबर 2, अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ब्लैंक. ऑप्शन है हीट, बी है कोल्ड, सी है रेन एंड डी इज ऑल ऑफ दिस. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हाउस हमें किस किस चीज से बचाता है? हीट से, यस. कोल्ड से, यस. रेन से, यस. तो ये सारी चीज़ों से बचाता है हमें. तो हम क्या लिखेंगे? ऑल ऑफ दीज. ये ऑल ऑफ दीज का मतलब ये सारे, सब. ठीक है, ऑल ऑफ दीज. नंबर 3, एंड इग्लू इज मेड अप ऑफ, एंड इग्लू इज मेड अप ऑफ ब्लैंक. एंड इग्लू इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन है ए एम यू डी मड, बी स्टील, सी आइस, डी वुड. एंड इग्लू इज मेड अप ऑफ, इग्लू किससे बनता है? मड से, नहीं. स्टील से, नहीं. आइस से, यस. वुड से, नहीं. तो आई सी ई. ओके, सो मड एंड इग्लू इज मेड अप ऑफ आइस. इग्लू जो है वो आइस से बनता है. ओके, ये आप कॉपी कर लीजिए. तो फिर आगे करते हैं. आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीन शॉट. Let's move on to the next sentence. Four. Houses made in
areas where it rains heavily are called dash houses made in areas where it rains heavily are called blank house. जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे जिस तरह के घर बनाए जाते हैं ऐसे घर को हम क्या कहते हैं, ऐसे घरों को हम क्या कहते हैं. हमारे ऑप्शंस हैं STILT, स्टिल्ट, बी है इग्लू, सी है टेंट, डी है फ्लैट. ओके, जहाँ पर बहुत बारिश होती है वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं ऐसे घरों को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्टिल्ट हाउस. यस गुड, STILT, स्टिल्ट हाउस. नंबर 5, houses on hills have dash roofs. Houses on hills have dash roof. जो घर हिल के ऊपर होते हैं, पहाड़ों के ऊपर होते हैं, उनके रूफ कैसे होते हैं, उनकी छतें कैसी होती हैं, कैसी होती हैं. ऑप्शंस देख लेते हैं. ए है प्लेन, बी है स्लोपिंग, सी है नो रूफ एंड डी है टेम्पररी. हाउसेज ऑन हिल्स हैव, वहाँ पे कैसे रूफ होते हैं, प्लेन रूफ होता है, स्लोपिंग होता है कि रूफ होता ही नहीं है, या टेम्परेरी रूफ होता है. चिल्ड्रन करेक्ट आंसर इज स्लोपिंग, SLOPING. क्योंकि अगर बारिश होती है या स्नोफॉल होता है तो जो बर्फ़ है वो फिसल कर नीचे गिर जाए, वो छत के ऊपर पाइल अप ना होते जाए, उसका ढेर ना लग जाए. ठीक है, तो ये है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ऑप्शंस. यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शंस. नाउ आई विल गिव यू सम फ्रॉम माय साइड. ठीक है, नंबर 6, houses made up of mud and dried leaves are called dash house. जो घर मड से और सूखे पत्तों से बनते हैं ऐसे घरों को हम क्या कहते हैं. हमारे ऑप्शंस हैं, आई एम राइटिंग द ऑप्शंस हियर, इसको इरेज कर दे रही हूँ मैं. लेट मी राइट द क्वेश्चन, इसको ऊपर ही लिख देती हूँ तो ऑप्शन लिखना ज़्यादा सही रहेगा. चलिए, नंबर 6 है, हाउसेस मेड अप ऑफ मड एंड ड्राइड
leaves are called dash house. ऑप्शंस हैं सी ए आर ए वी ए एन कारवा, के यू टी सी एच ए कच्चा हाउस, सी इज पी यू सी सी ए पक्का हाउस, एंड डी इज एफ एल ए टी फ्लैट. जो घर मड से बनते हैं या ड्राइड लीव से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड कच्चा हाउस, के यू टी सी एच ए कच्चा हाउस. नंबर सेवन है अ डैश is a tall building with multiple floors. Dash is a tall building with multiple stores. जो ऐसी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं ऐसी बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं बी यू एन जी ए एल ओ डब्ल्यू बंगलो, नंबर बी इज पी ए एल ए सी ई पैलेस, नंबर सी इज सी ओ टी टी ए जी ई कॉटेज, नंबर डी इज स्काई स्क्रैपर्स. इसको थोड़ा सा और इधर लिख देती हूँ मैं, जगह कम है. बी इज पैलेस, सी इज कॉटेज, डी इज स्काई स्क्रैपर्स. क्या कहते हैं टॉल बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे मल्टीपल मतलब बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं उसको कहते हैं स्काई स्क्रैपर. क्या बोलते हैं? स्काई स्क्रैपर. मैंने बताया था ना हिंदी में गगनचुंबी इमारत बोलते हैं, एस सी आर ए बी ई आर, सॉरी स्क्रैपर है नॉट डबल बी स्क्रैपर. ओके, स्काई स्क्रैपर इज अ टॉल बिल्डिंग विद मल्टीपल फ्लोर्स. Next is number 8. A moving house is called ब्लैंक. मूविंग हाउस को क्या कहते हैं? ए टेंट, बी सी ए आर ए टी सॉरी नॉट मूविंग हाउस अ हाउस ऑन व्हील सॉरी अ हाउस ऑन व्हील्स is called blank. Option है हमारा houseboat, B is tent, C is caravan, D is log cabin. A house on wheels. वो घर जिसमें पहिए लगे होते हैं, जिसमें कि लोग
ऐसा घर जिसमें बैठ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं टू बाय एंड सेल गुड्स, ऐसे मूविंग हाउस को, ऐसे हाउस ऑन व्हील को क्या कहते हैं? सच हाउसेज आर कॉल्ड कारवां। चलो मूविंग हाउस भी बोलते हैं, लेकिन मूविंग हाउस अगर मैं सिर्फ लिखूंगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि एक और घर होता है जो मूव करता है। चलिए उसके बारे में भी कर लेंगे। ये एट हो गया हमारा। वन मोर वी हैव टू डू, ये आप नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आपको और देती हूँ। इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। A house floating on water is called dash. A house floating on water is called, your options are flat, B, mansion, C, bungalow, and D, house, boat. A house floating on water is called flat, mansion, bungalow or houseboat. क्या कहते हैं? जो घर पानी पर फ्लोट करता है उसे कहते हैं houseboat. नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि बोट है, तो बोट है मतलब पानी पर वो फ्लोट करेगा. ओके, देन ओके, a house made of canvas is called blank. Options hain A, apartment, apartment, B, B है कच्चा हाउस, C है इग्लू, C है टेंट, एंड D है इग्लू. A house made of canvas is called apartment, kacha house, tent or igloo. Children, correct option is tent. Tent जो है वो canvas से बनता है, nylon से भी बनता है, waterproof. कई सारे tents waterproof हैं and they are made up of canvas or nylon. So they are called tent. तो ये हमारा हो गया fill in the blanks, choosing the correct option. चिल्ड्रन, फाइव आपकी बुक में था एंड फाइव आई हैव गिवन फ्रॉम माई साइड. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज स्टेट ट्रू और फॉल्स. उसको करते हैं, ये अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम करेंगे ट्रू और फॉल्स. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. True
और फॉल्स। आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। फर्स्ट है हमारा अ पक्का हाउस इज अ टेम्परेरी हाउस। अ पक्का हाउस इज अ टेम्परेरी हाउस। डू यू थिंक पक्का हाउस टेम्परेरी हाउस होता है? इसको बार बार हम बनाते रहते हैं? नो, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। चिल्ड्रन, पक्का हाउस इज अ परमानेंट हाउस, वो एक परमानेंट हाउस होता है। नंबर टू, अ टेंट इज मेड ऑफ कैनवस। टेंट जो है वो कैनवस से बनता है। इट इज मेड अप ऑफ कैनवस, एक तरह का क्लोथ होता है कैनवस, उससे बनता है। थिक सा कपड़ा होता है, उससे बनता है। इज इट करेक्ट? यस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अ टेंट इज मेड ऑफ कैनवस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नंबर थ्री, अ स्काई स्क्रैपर इज अ पक्का हाउस। जो स्काई स्क्रैपर होता है, जो खूब सारे फ्लोर वाला जो घर होता है, एकदम टॉल सी जो बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, वो एक पक्का घर होता है। यस, वेरी ट्रू, बिल्कुल। ये तो क्योंकि स्काई स्क्रैपर तो टेम्परेरी हो ही नहीं सकता, है ना। नेक्स्ट नंबर फोर, कच्चा हाउस इज अ स्ट्रॉन्ग हाउस। जो कच्चा हाउस होता है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग घर होता है। फॉल्स, नाम में ही कच्चा है, नाम ही हम कच्चा बोल रहे, तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, है ना। कच्चा का मतलब होता है कमज़ोर, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, है ना। कच्चा हाउस स्ट्रॉन्ग हाउस नहीं होता है, पक्का हाउस स्ट्रॉन्ग हाउस होता है। फाइव, अ टेंट इज पुट अप इन एफ एल ओ ओ डी ई डी फ्लडेड एरियाज। जहाँ बहुत सारा पानी होता है, फ्लडेड एरिया होता है, वहाँ पर टेंट लगाया जाता है। इज इट करेक्ट? क्या ये सही है, फ्लडेड एरिया में होता है टेंट? नो, फ्लडेड एरिया जो होता है वहाँ पर स्टिल्ट हाउस होता है। सो दिस इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। टेंट जो है वो फ्लडेड एरिया में नहीं होता, कैंपर्स यूज़ करते हैं, बॉर्डर पे होता है, और बाढ़ में हम कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना फ्लडेड एरिया में। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, टेंट जो है वो फ्लडेड एरिया में नहीं होता है। चिल्ड्रन, ये था आपका बी एक्सरसाइज का बी पार्ट, विच जो ट्रू एंड फॉल्स है, एंड पांच ही थे, फाइव ही थे, सो वी हैव कंप्लीटेड दैट। ओके, नाउ सी में क्या है, पिक्चर्स हैं, और फिर आपको मटेरियल यूज के साथ उसको मैच करना है। चिल्ड्रन, आई कैन नॉट ड्रॉ द पिक्चर्स, सो आई विल राइट द नेम, मैं वो नाम लिख दूंगी पिक्चर की जगह पर, और बुक में आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, फिर हॉट्स है। ओके,
बस इतना ही है, सी और डी दो एक्सरसाइज बची है, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, उसको हम अगले वीडियो में कर लेंगे. ओके, आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं. वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.